हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, अब हम लोग बीसीए की इस क्लास में अब हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं, हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सब्जेक्ट जिसका नाम क्या है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी काम अगर हम अपनी प्रॉफिट के लिए करते हैं तो वो क्या होती है, बिजनेस होती है। ठीक है, बिजनेस मतलब व्यापार समझ लीजिए और ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या होता है, संगठन। ठीक है, किस हर चीज को जो बिजनेस में हेल्प करती है उसको संगठित करके एक जगह रखने का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आज अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि बिजनेस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और किस किस तरह से किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग शुरू करते हैं कि बिजनेस क्या होता है। देखिए यहां पे लिखा है द ऑर्डिनरी मीनिंग ऑफ बिजनेस इज बिजीनेस। ठीक है, क्या लिखा है कि जो ऑर्डिनरी मीनिंग है बिजनेस की, ऑर्डिनरी मतलब सिंपल लैंग्वेज में, डे टू डे लाइफ में, आम बोलचाल में कि बिजनेस की जो मीनिंग है वो क्या है, बिजीनेस। देखिए बिजी और नेस, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि बिजी मतलब होता है आप कहीं व्यस्त हैं। ठीक है, तो जो भी एक्टिविटी, देखिए कोई भी एक्टिविटी, एक्टिविटी को कह देते हैं हम कोई भी काम। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम जिसमें एक व्यक्ति बिजी है उसको बिजनेस कहते हैं। ठीक है, हमने आप लोगों को बता दिया कि ऑर्डिनरी मीनिंग बिजनेस की क्या होती है, बिजीनेस, और कोई भी काम, कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जिसमें कोई भी व्यक्ति, ठीक है, बिजी है उसको क्या कहते हैं हम लोग, बिजनेस कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है, आगे इसमें लिखा है कि एक आदमी दो तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, एक्टिविटी भी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक्टिविटी, वर्क या काम जो कह लीजिए, ये भी क्या होती है, दो तरीके की होती है। पहली क्या होती है, पहली होती है इकोनॉमिक और दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, तो इसमें हम लोग मोस्टली इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आ सकती है पर मोस्टली हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो किससे रिलेटेड होती है, मनी से। ठीक है, जो मनी से रिलेटेड होती है, जिसमें मनी इन्वॉल्व होता है, वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सुने होंगे भारत की इकोनॉमी। ठीक है, देखिए एक होती है इकोनॉमी, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटी। ठीक है, दोनों टर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो हमने क्या कहा, बिजनेस का ऑर्डिनरी मीनिंग क्या होता है, बिजीनेस। ठीक है, वो काम जिसमें कोई भी व्यक्ति क्या है, बिजी है। ठीक है, वो क्या हो गया, बिजीनेस या बिजनेस। पर उसमें भी एक चीज और है कि वही काम बिजनेस होगा जो मनी से रिलेटेड होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी काम आप करेंगे तो आप बिजी हो जाएंगे। ठीक है, पर हर काम में बिजी होने का मतलब बिजनेस नहीं होता है, क्या होता है, इकोनॉमिक पर्पज होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे क्या लिखा है, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिनोट्स वर्क और एफर्ट डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रॉफिट। ठीक है, अब इसमें यहाँ क्या लिखा है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, डिनोट्स, ये मतलब होता है कि कोई भी काम या एफर्ट, ठीक है, कोई भी काम या काम करने की तरफ एफर्ट करना कहाँ डायरेक्ट करता है आपको, आपको ले जाता है प्रॉफिट की तरफ। ठीक है, आप कोई भी काम अगर प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये आपका मेन मोटिव, एम आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो वो सब एक्टिविटी क्या हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और बिजनेस क्या होता है। ठीक है, आइए अगला हम लोग इसमें आगे देखते हैं। आइए, अब इतना पढ़ने के बाद मोटा मोटा क्या समझ में आ गया, द बिजनेस means
ठीक है, क्या हमने क्या कहा, द बिजनेस मीन्स, द प्रोडक्शन, ठीक है, परचेज, क्या द प्रोडक्शन परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स, ठीक है। अब देखिए जो भी हमने पढ़ा उससे हमें क्या समझ में आ गया मोटा मोटा, ठीक है, पूरी तरीके से समझ में आ गया क्या कि बिजनेस का मतलब होता है प्रोडक्शन, किसी चीज का उत्पादन करना, और परचेज और सेल, ठीक है, सामान का उत्पादन करना, उसको खरीदना और उसको बेचना, ये क्या हो जाता है हमारा बिजनेस, ठीक है। अब देखिए एक चीज बता दें, प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या क्या करते हैं दोस्तों, देख लीजिए, प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं, ठीक है। अगर रॉ मटेरियल हमारे पास है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, कच्चा माल, ठीक है, अगर वो हमारे पास है तो उससे हम लोग क्या बना लेंगे, फिनिश प्रोडक्ट बना लेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को क्या कह रहे हैं, लकड़ी का कोई सामान बनाना है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या हो जाएगी, वुड हो जाएगा, ठीक है। और जो भी सामान बनाना है, चाहे वो टेबल हो, चाहे वो चेयर हो, ठीक है, चाहे वो बेड हो, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा फिनिश प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, अब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, देखिए हमें चाहिए मशीनरी, ठीक, हमें चाहिए लेबर, ठीक है, हमें चाहिए कैपिटल, क्या क्या चाहिए, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल करने के लिए, ठीक है। अब रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीनरी, लेबर, कैपिटल, ठीक है, और लैंड। अब ये सब क्यों चाहिए ये मैं बताता हूं, लैंड क्यों चाहिए, लैंड हमें चाहिए वहां पे हम क्या करेंगे, अपनी फैक्ट्री बनाएंगे, गोदाम बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे, इसलिए लैंड चाहिए, ठीक है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल होता है पूंजी, ठीक है, कैपिटल मतलब वो पैसे जिससे हमने फैक्ट्री खड़ी की है, पहली चीज। दूसरी चीज, और रॉ मटेरियल मंगाने के लिए हमें पैसे चाहिए, ठीक है, इसको आप लोग ऐसे कर सकते हैं, कैपिटल कैपिटल ऑब्लिक मनी, ठीक है, कैपिटल हमारा फैक्ट्री खड़ी करने के लिए, और मनी हमारा मशीनरी खरीदने के लिए, ठीक है। मशीनरी आप लोग समझ गए भाई, कोई औजार या कोई मशीन चाहिए, ठीक है, छोटी चीज है तो मशीनरी एंड टूल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, मशीनरी एंड टूल्स, ये दोनों चीजें लग जाएंगी, औजार और मशीन, ठीक है। अब जो लोग काम करेंगे वो भी हमें चाहिए, लेबर, ठीक है। तो इतनी चीजें क्या हैं, जरूरी हैं, एकदम नेसेसरी हैं, कि जो हमें क्या करना है, प्रोडक्शन ऑफ एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए काम आएंगे, ठीक है, कोई भी चीज के प्रोडक्शन करने के लिए हमें ये सब चीजें जरूरी हैं, ठीक है। बिना इनके क्या होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा, और जब प्रोडक्शन एक बार हो जाएगा सामान का, तो आप लोग क्या करेंगे, फिर प्रोडक्शन हो जाएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है। जब फिनिश्ड प्रोडक्ट बन जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको बेचेंगे, ठीक है, क्योंकि तो आपका मेन एम क्या है, मेन एम है आपका टू अर्न प्रॉफिट, बिकॉज यू आर डूइंग बिजनेस, ठीक है, you are doing business, so your main aim is to
सेल द फिनिश प्रोडक्ट। ठीक है, आप फिनिश प्रोडक्ट बनाते समय देखिए, मान लीजिए आप सब तरह के खर्चे उसमें जोड़ते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल का खर्चा, पहली चीज, दूसरा चीज लेबर का खर्चा, तीसरा चीज मशीनरी का कुछ खर्चा, ठीक है, ये सब जोड़ के मान लीजिए आपको फिनिश प्रोडक्ट बनाने में लागत आ गई 50,000 रुपये। तो एक प्रोडक्ट बनाने में आपको कितना लग गया, 50,000 रुपये। तो अब वो सामान आप उसको प्रॉफिट पे ही बेचेंगे तभी कोई मतलब है, ठीक है, आपका मेन एम क्या है, प्रॉफिट ही है। अब इसको आप प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या होगा, अब 50,000 है तो 50,000 एक, अब इससे कम में नहीं बेचेंगे, क्यों, 50,000 एक पे जब बेचेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट, ये इमेजिनरी फिगर है, हम लोग ऐसे ही सोच ले रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं कुछ मिलता है तो प्रॉफिट मार्जिन भी होता है, मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारी टोटल लागत पे हम 10% प्रॉफिट लेंगे, कितना लेंगे 10%, तो 50,000 का 10% कितना हो जाएगा, 5,000, तो 5,000 जब हो जाएगा तो हम इसमें क्या करेंगे, 5,000 जोड़ देंगे, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि कोई भी अगर हमारे पास क्या है, लागत जो भी आती है सामान बनाने में उसका प्रॉफिट हम कितना लेते हैं, 10%, ठीक है। अब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप 10% प्रॉफिट पे किसको बेचेंगे, होलसेलर को, ठीक है, होलसेलर उस पर अपना प्रॉफिट जोड़ के किसको बेचेगा, रिटेलर को, और रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ के किसको बेचेगा, कंज्यूमर को, ठीक है। और कंज्यूमर उसको नहीं बेचता है, क्यों, कंज्यूमर का मतलब ही होता है द लास्ट पर्सन हु हैज फाइनली कंज्यूम्ड द प्रोडक्ट, ठीक है, वो आखिरी व्यक्ति जिसने आखिरी में क्या किया है, अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम किया है, ठीक है, ये आगे नहीं बेचेगा, क्योंकि देखिए ना होलसेलर ने उसे कंज्यूम किया है, ना रिटेलर ने उसे कंज्यूम किया है, और सिर्फ किसने, कंज्यूमर ने, इन लोगों ने आगे बेचा है। अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जिसका कुछ हिस्सा होलसेलर कंज्यूम करता है, ठीक है, तो जिस हिस्से को होलसेलर ने कंज्यूम किया है वो हिस्से के लिए होलसेलर ही क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए 5 पीस इन्होंने कंप्यूटर लिया और 2 पीस अपने घर में लगा लिया, ठीक है, तो 3 पीस बच गया, 3 पीस इन्होंने बेच दिया, तो ये जो 2 पीस इन्होंने अपने घर में लगा लिया ना दोस्तों, इस 2 पीस के लिए कंज्यूमर कौन हो गए, रिटेलर हो गए, ठीक है। और कंज्यूमर जैसे हम आप हैं तो हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसको बेचते नहीं हैं, ठीक है, बेचते नहीं है उसको, हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने घर में अपने पास रखते हैं, खुद उसको यूज़ करते हैं, इसलिए हम क्या हो जाते हैं, कंज्यूमर। अगर हम कुछ सामान बेचते हैं इसके आगे, ठीक है, वही मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, हमने 3 पीस लिया रिटेलर से और 2 पीस एकदम बेच दिया, नया नया, सेकेंड हैंड नहीं, नया नया, ठीक है, तो जो 1 पीस है उसके लिए हम कंज्यूमर हो गए, बाकी 2 पीस के लिए हम कंज्यूमर नहीं हुए, क्योंकि वो 2 पीस हमने क्या किया, वो 2 पीस हमने बेच दिया है, ठीक है। तो मेन मकसद क्या था हमारा, यही बताना कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है, मेन एम, मेन एम टू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। हमने क्या लिख दिया, हमने लिख दिया कि मुख्य उद्देश्य किसी भी प्रकार के बिजनेस को करने का क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए बिजनेस क्या क्या इंक्लूड करता है, मेन
बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड, ठीक है, कॉमर्स, एंड इंडस्ट्री। ठीक है, हमने क्या बताया कि बिजनेस क्या इंक्लूड करता है, ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। ठीक है, ट्रेड मतलब क्या होता है, ट्रेड मतलब होता है एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं कि अब इसमें ट्रेड क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है और हमारा बिजनेस क्या होता है। ठीक है, इंडस्ट्री, कॉमर्स और ट्रेड। इंडस्ट्री मतलब वही समझ लीजिए फैक्ट्री, प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट। ट्रेड मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ क्या प्रोडक्ट। और कॉमर्स मतलब होता है कभी किसी दो कंट्री के बीच में कोई भी इंटरनेशनल ट्रेड करना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमर्स। ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा और समझते हैं। प्रोसेस ऑफ ठीक है प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। जैसा कि हमने आपको बताया था क्या कि सामान को खरीदना और बेचना क्या होता है, ट्रेड होता है। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट या एनी काइंड ऑफ गुड इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, व्यापार। जैसे बिजनेस को भी व्यापार कह सकते हैं और ट्रेड को भी व्यापार। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, ट्रेड क्या होता है और इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग अगर ये विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री है, विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेस्टिक और होम ट्रेड। ठीक है, और अगर यही दो कंपनी के बीच में होगा, सॉरी, अगर यही दो कंट्री के बीच में होगा तो क्या कह देंगे उसको, इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, अगर ये दो कंट्री के बीच में होगा तो इंटरनेशनल ट्रेड, और विद इन द बाउंड्री ऑफ योर कंट्री होगा तो क्या हो जाएगा, होम ट्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि ट्रेड को मदद करने के लिए क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, टू हेल्प ट्रेड सम फैसिलिटीज। ठीक है, टू हेल्प ट्रेड सम फैसिलिटीज आर गिवेन। ठीक है, अब ट्रेड को करने के लिए कुछ हमें क्या सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, कि हम लोग ट्रेड अच्छे से करें और उससे क्या हो, गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। ठीक है, अब वो क्या क्या है, ठीक है, वो जो सुविधाएं दी जाती हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, पहला क्या होता है, स्टोरिंग, दूसरा हो जाता है ग्रेडिंग, ठीक है, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है, स्टोरिंग, ग्रेडिंग, फाइनेंसिंग, ट्रांसपोर्टिंग,
इफ नीडेड इंश्योरिंग। आइए अब देखिए, हमने आपको बता दिया कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड क्या होता है? परचेज ऑफ या प्रोसेस ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज ट्रेड। ठीक है, ये दो तरीके से हो सकता है। एक आपका डोमेस्टिक ट्रेड होगा जो विद इन योर कंट्री रहेगा, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ योर कंट्री। और एक क्या होता है, इंटरनेशनल ट्रेड या फॉरेन ट्रेड, जो क्या होता है, बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है, अब देखिए, ट्रेड को करने के लिए हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं भारत सरकार की तरफ से। अब हम लोग भारत में रहते हैं तो हम भारत सरकार ही बोलेंगे। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से हमें कुछ सुविधाएं मिलती हैं, जो क्या होता है, स्टोरिंग, गुड्स बना के स्टोर करने के लिए, ग्रेडिंग, ठीक है, गुड्स अच्छा है कि खराब है उसकी ग्रेडिंग के लिए, फाइनेंस करती है गवर्नमेंट, ठीक है, या कोई भी फाइनेंस करता है जिसके पास पैसा है, ठीक है, फाइनेंसिंग। अगला क्या है, ट्रांसपोर्टिंग, उस गुड्स को कहीं भी पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट करना, और अगर जरूरत है तो उसको इंश्योरेंस करना। ठीक है, हमने जो भी बोला आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या, स्टोर करना, ठीक है, ग्रेड करना, फाइनेंस करना और ट्रांसपोर्ट करना, और अगर जरूरत है उस गुड्स के लिए तो हम उसको क्या कहते हैं, इंश्योर्ड करते हैं। ठीक है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इफ नीडेड इंश्योरिंग। ठीक है, दिस फैसिलिटी इज नोन एज कॉमर्स। ठीक है दोस्तों, हमने आपको क्या बताया, ट्रेड क्या होता है और ट्रेड को करने में जो भी फैसिलिटी हमें मिलती हैं वो क्या होती है हमारी, वो हमारी कॉमर्स होती हैं। ठीक है, बिजनेस इंक्लूड हमने बता दिया आप लोगों को, ट्रेड इंक्लूड रहता है उसमें, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो हमारा क्या बचा है, कौन सा पार्ट, इंडस्ट्री बचा है। ठीक है, अब देखते हैं इंडस्ट्री क्या करता है। ठीक है, इंडस्ट्री includes industry includes all that process। ठीक है, industry include all that process which are responsible for extraction and प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, अब ये क्या है कि अब देखिए, ट्रेड क्या होता है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, कॉमर्स क्या होता है, जो भी ट्रेड को करने के लिए हमें फैसिलिटी मिलती है उसे हम कॉमर्स कहते हैं। और इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री में कोई भी गुड्स बनाने के लिए हम जो प्रोडक्शन का काम करते हैं वो सब प्रोसेस, जो हमें रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाने में मदद मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री कहते हैं। और ये तीनों चीज मिला के क्या बनती हैं, ऑल थ्री, ठीक है, दैट इज ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री all three trade commerce and industry combined called business। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बता दिया, ये तीनों चीज मिलके क्या हो जाती हैं, business हो जाती हैं। तो आज हम लोग ने थोड़ा देख लिया कि business
हमारा क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने ये बता दिया आपको बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या क्या इंक्लूड करता है और क्या चीज़ें मिलकर बिजनेस होती हैं। अब एक चीज और, बिजनेस आपका सिर्फ और सिर्फ परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स नहीं है, ठीक है। परचेज बिजनेस, परचेज एंड सेल्स ऑफ गुड्स सिर्फ क्या बिजनेस नहीं है, क्या है? परचेज एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज भी है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की परचेज सेल को मिला के क्या कहते हैं हम, बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अब अगर सर्विस भी हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, और बेचते समय हमारा मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट, तो वो भी सर्विस हमारी क्या हो जाएगी, बिजनेस की तरह काम करेगी। सर्विस मतलब क्या होती है, सेवाएं प्रदान करना। डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, ठीक है, रिपेयर करने कोई पर्सन आता है आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट, तो वो लोग आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं देते हैं, वो लोग आपको क्या देते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो ये सर्विसेज भी आपकी क्या होती है, बिजनेस में आती हैं। पर कब, जब इनका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट का होगा। अगर मेन एम प्रॉफिट का नहीं रहता है तब वो बिजनेस में नहीं आती हैं, तब उनको क्या कहते हैं, इफ एनी एक्टिविटी डज नॉट, इफ एनी एक्टिविटी डज नॉट includes profit, then that is known as non-economic activities, ठीक है, और सोशल एक्टिविटी, ठीक है। सोशल एक्टिविटी की जगह मेन फेमस आम क्या है, सोशल वर्क, ठीक है। वहां पे लोगों का मेन एम क्या नहीं होता है, मेन एम आपका प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। जैसे चैरिटी, डोनेशन, अनाथ आश्रम चल रहा है, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, इन लोग क्या करते हैं, इन लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, प्रॉफिट मोटिव नहीं रहता है। इनका मेन मोटिव क्या रहता है, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करना और सोशल वर्क करना, सोशल रिफॉर्म करना, ठीक है। तो ये सब वर्क क्या हो जाते हैं हमारे, ये सब हमारे आ जाते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। दोस्तों आज हमने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या इंक्लूड करता है, किस चीज़ों से बिजनेस बनता है, ठीक है। तो और बिजनेस का मेन एम क्या है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है। पहले हम लोग देखेंगे कि प्रोफेशन क्या होता है और फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बिजनेस और प्रोफेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। दोस्तों बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।